सो हेलो गाइस, नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। और गाइस, अभी ना शाम के टाइम में स्कूल से आ चुके हैं। और अगर स्कूल से आने के बाद ना हम थोड़ी देर रेस्ट किए, आराम से लेटे, और लेटने के बाद ना थोड़ी देर बाद देखा तो काफ़ी ज़्यादा बादल चले आ रहे थे, काले काले। और बादल आने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर ना अभी बारिश हुई है। ये तो गाइस पूरे खेतों में पानी भर गया। ये तो गाइस इधर पानी भरा हुआ है सारे में। और ये खेत हमारे मतलब जुता हुआ खेत पड़ा था, तो इसमें कम कम मालूम पड़ रहा है। इधर देखो छोटा मोटा खेत है, छोटा वाला, इसमें देखो इतना सारा पानी भर गया है क्योंकि बारिश इतनी हुई है, तो पानी तो भरना बनता है। और इधर भी दिखा देता हूँ आपको, इधर भी काफ़ी सारा पानी भरा हुआ है। ये तो गाइस कितना, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ये तो गाइस बारिश हुई ना तो पानी भरा गई, और अभी बारिश का मौसम पूरा आई। तो गाइस पूरे बादल ना, बारिश कभी भी हो सकती है। तो गाइस इसलिए मैं अभी जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया गाइस, वैसे जल्दी ब्लॉग शुरू कर देता मैं, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ना बारिश अभी थोड़ी देर पहले रुकी है। तो जस्ट मैंने ब्लॉग अभी शुरू कर दिया, क्या पता फिर दोबारा बारिश होने लग जाए तो ब्लॉग अभी शूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना कल भी एक ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाया, नहीं कल ना ही परसों ब्लॉग अपलोड हो पाया गाइस मेरा। तो गाइस क्या पता ब्लॉग नहीं अपलोड नहीं हो पाया फिर, तो इसलिए गाइस ना मैं अभी ब्लॉग शूट कर ले रहा हूँ, और ये ब्लॉग कल अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए ना अभी मैं एक ब्लॉग शूट कर लेता हूँ, क्योंकि ना अभी ब्लॉग शूट नहीं किया तो चैनल डाउन भी हो सकता है, इसलिए गाइस। और चलते गाइस अभी चलने के लिए। और गाइस आपको दिखा देता हूँ मेरी मम्मी क्या कर रही है। बारिश खत्म होने के बाद ना मेरी मम्मी ना यहाँ पर झाड़ू लगा रही है। देखो यहाँ पर झाड़ू लगाई, यहाँ पर थोड़ा सा पत्ते गिर गए थे पेड़ के, तो यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ मम्मी जी। तो मम्मी से लगा लेती हैं झाड़ू। बस अभी चलते हैं रोड पर टहलने के लिए। गैस रोड पर चल रहे हैं क्योंकि ना यहाँ पर ना बैठ बैठे बोर भी हो जाते हैं, तो रोड पर जाना तो बनता है। बस पानी भर हुआ है यहाँ पर, सारे तरफ पानी भरा हुआ है, तो हम तो सही से जाएंगे, कहीं गिर नहीं आए। यहाँ पर पत्थर पड़े हुए, वहीं से जा रहे हैं हम। और गैस फाइनली पहुँचने वाले हैं हम रोड पर। गैस फाइनली पहुँच गए, जो हमारी झोपड़ी के पास में रोड है उसी पर गैस फाइनली हम पहुँच चुके हैं। और अगर सड़क पे आने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा मस्त फील हो रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे ताज़ी ताज़ी हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी, और बादल का मौसम अभी मतलब पूरा बारिश का मौसम है, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, तो मज़ा आ रहा है एकदम टहलने में, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो मस्त तो लगेगा ही। और इसलिए गाइस अभी मैं टहलने चलाया, शाम के लिए डेली आता हूँ, तो आज भी आ गया टहलने के लिए। गाइस वैसे डेली जल्दी से टहल लेता था, मतलब कि अब शाम है ना तो जल्दी से टहल लेता था, लेकिन अभी ना क्या हो रहा है ना, बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण शाम हो चुका, तो शाम ज़्यादा हो गया ना, तो देखो सूरज भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है गाइस। और दिन ना सूरज भी दिखता था, हो सकता है बादल की वजह से नहीं दिख रहा हो, क्योंकि ना बादल भी हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से नहीं दिख रहा हो, लेकिन गाइस सूरज नहीं दिख रहे हैं, तो अब बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है साथ में। और गाइस मज़े बढ़ाने के लिए मेरा भाई साथ होता तो और मज़े कुछ ज़्यादा आते, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। आप बता दो मेरा भाई कहाँ पर गया है। तो मेरा भाई गया है ना वो दवाई लेने के लिए गया है, क्योंकि ना उसको ना बुखार आ गया, काफ़ी तेज़ बुखार आ रहा था, जो घर में लेटा हुआ था ना तो काफ़ी तेज़ बुखार आ रहा था, तो लेटा लेटा बहुत देर से रो रहा था कि बुखार आ रहा है मेरे को, बहुत दर्द हो रहा है हाथ पैरों में। तो पापा ने बोला अभी तो बारिश रुक जा तभी जाएंगे, क्योंकि ना अभी बारिश हो रही है तो बारिश में तो नहीं जा सकते, क्योंकि तेज़ बारिश हो रही है तो भीग भी सकते हैं, तो इसलिए मम्मी ने बोला अभी नहीं, जब बारिश थोड़ा कम हो जाए फिर जाना दवाई लेने के लिए। तो अभी थोड़ा बहुत बारिश कम हो गया, मतलब कम क्या बंद हो गया बिल्कुल, तो पापा चले गए दवाई लेने के लिए, क्या पता बाद में बारिश होने लग जाती तो दवाई लेने नहीं जा पाते, तो अभी चले गए पापा दवाई लेने के लिए। और थोड़े बहुत देर में आने वाले होंगे, क्योंकि काफ़ी देर के गए हुए हैं ना, तो आने वाले होंगे, अगर आ जाएंगे तो दिखा दूंगा मैं इसी ब्लॉग में अपने भाई को। गाइस मेरा भाई मेरे साथ होता तो और मज़ा आता टहलने में, मैं अकेला यहीं पर टहल रहा हूँ, मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, मैं देखते कितने दिन में आता है मेरा भाई, तो तब तक मैं टहल रहा हूँ यहाँ पर, मेरा भाई आएगा फिर हम दोनों मज़े से घूमेंगे और खेलेंगे और मज़े करेंगे। अभी तो कोई नहीं, मेरी मम्मी मेरे साथ है, मतलब मेरे घर पे ही है। मम्मी तो झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लगाने के बाद वो सब तो चाय भी बनाएगी मम्मी, नहीं चाय ना भी नहीं बनेगी क्योंकि चीनी नहीं है, चीनी लेने के लिए गए पापा, वहाँ से चीनी लेकर आएंगे, वहाँ से मेरा भाई का इलाज हो जाएगा, मतलब दवाई लेने के गए हैं, तो पापा आएगी तभी चाय बन पाएगी। बहुत कुछ नहीं करते मम्मी, आराम से झाड़ू लगाने के बाद बैठी हुई है, और हम सोचा क्यों ना ब्लॉग शूट करके आएँ, तो इसलिए गाइस हम ब्लॉग शूट करने आगे खाली टाइम। और गाइस अभी ना हम ना वेट कर रहे थे अपने भाई का, मतलब काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, अभी यहीं बैठे हुए थे रोड पर टहल रहे थे, और बस अभी काफ़ी शाम भी होती जा रही है, तो अभी मैं अपने भाई की वेट कर रहा था काफ़ी देर से बाद, अभी ब्लॉग दूसरा मतलब दूसरा शॉट स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बीच में ब्लॉग रोक दिया था, तो बस अभी मैं चल रहे हैं घर पर, लगता है मेरा भाई आ गया है, क्योंकि मेरे पापा यहाँ से निकल गए हैं, पता नहीं क्या लेने गए हैं, लगता है मेरे भाई को रास्ते में कहीं आ दिया होगा, तो मेरा भाई घर पर लगता है घर पे है, तो बस अभी चल के देख के आते हैं मेरा भाई क्या कर रहा है। और गाइस अभी मेरा मैं अपने भाई के साथ भी टहल लूँगा, हो सकता है मेरी मम्मी मना भी कर सकती है, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है, तो मना तो मम्मी करेंगी, क्योंकि ना शाम हो चुकी है, शाम को टहलना मना है, मम्मी मना कर देती शाम को मस्त टहला करो, क्योंकि दिन में टहल लिया करो इतना टहलना है खेलना कूदना। और अभी चलते हैं घर पर गाइस, हो सकता है चाय भी बनती हो तो चाय भी पीने जाना हमको, तो बस अभी चलते हैं हम घर पर, क्योंकि ना यहाँ पर ना काफ़ी देर से टहल रहे हैं, तो घर तो जाएंगे ही, और मेरा भाई अगर आ गया तो मैं भी आ सकता हूँ, मेरी मम्मी कह दिया अपने भाई के साथ टहलने जा, बस आ सकता हूँ, कुछ पसंद भी नहीं है। और बस अभी चलते हैं घर पर, और बस लगातार मैं चलते जा रहा हूँ घर पे। और ना आपको बता दूँ अभी ना हम बैठे हुए थे ना,
तो काफ़ी ज़्यादा बूंदे पड़ रही थी, मतलब इतनी छोटी छोटी थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था, हल्का हल्का बूंदे होते ना, हल्का हल्का बारिश हो रहा था तो वो होने लग गया था। तो मैं सोच रहा था मैं ब्लॉग लग पूरा नहीं बन पाएगा, क्योंकि ना अभी बारिश होने लग गया था, थोड़ा बहुत शूट कर पाया उससे पहले बारिश आने लग गया। मैं अभी थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था तब, और लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत बूंदा पड़ रहा था, वो तो पड़ना बंद हो गया। तो फिर बहुत अच्छा काम किया भगवान ने, क्योंकि हमारे ब्लॉग में थोड़ा बहुत शूट ही हो जाएगा, क्योंकि अगर यूट्यूब पर नहीं गिरा तो चैनल डाउन भी हो सकता है, मतलब व्यूज आना फिर बंद हो जाएंगे। जैसे वैसे भी थोड़ा बहुत व्यूज आते हैं, बस वैसे भी मेरे को डेली व्यूज डालना चाहिए, अगर एक दिन भी मिस कर दूंगा ना बस चलो सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है गलती से, बस हर बार नहीं होता। और बस फाइनली अभी आ चुके हैं अपने घर पे, और बस यहाँ से जा रही उतर के लिए, उतर के यहाँ से ही वो देख के आते मेरा भाई वो क्या कर रहा है, ये भी होगा थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, पापा जा रहे थे मेरे, बस आ चुका हूँ मैं घर पे। होगा हाँ गाइस मेरा भाई भी आ चुका है, ऐसे उधर बैठा हुआ है, आपको दिखा दूँ। बस मेरे घर पर ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, ऐसे वो देखा सब ठंडी लग रही है ना, बारिश हुई है तो ठंडी लग रही है, ऐसे घोड़ के बैठा हुआ है, इसको बुखार आ गया है, यहाँ पर बैठा हुआ है देखा। और मेरी मम्मी वो सेकंड टाइम कर रही है। और गैस अभी ना शाम होता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया, तो इसलिए ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। और गैस माफ करना मैम, मैंने आपसे बताया था कि हमारे यहाँ पर ना वो चाय बनना है, मम्मी चाय बना रही है घर पर, लेकिन नहीं गैस चाय नहीं बना रही है, सिमई बना रही है, सिमई गैस सिमई आपके शायद और कुछ बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ सिमई बोलते हैं। वो होती है ना सामान में बनाई जाती है, सामान में दूध डाल के बनाई जाती है, लंबी लंबी होती हैं, वो चाउमीन की तरह होती हैं, वो इसे कहते हैं हमारे यहाँ सिमई, आपके साथ और कुछ बोलते होंगे, वही गैस बनाई जा रही है। चाय नहीं बननी क्योंकि वो बननी है तो चाय का क्या जरूरत है, तो अभी तो वो बननी है, मम्मी बना रही है। गैस हम नाश्ता भी करेंगे क्योंकि शाम हो रहा है ना, तो बनने के बाद वही खाएंगे सीधे गैस, तो इसलिए गैस ब्लॉग करते हैं पे एंड। और गैस आपको ब्लॉग कैसा लगा एक बार मुझे कॉमेंट करके यहाँ से बता देना, और चैनल पर तो प्लीज़ गैस चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर लेना, हाथ जोर से बनती है मेरी आपसे, प्लीज़ गैस चैनल सब्सक्राइब यहाँ से कर लेना गैस, बहुत मेहनत करके ब्लॉग शूट करता हूँ, और गैस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते गैस बहुत बुरा लगता है, बस प्लीज़ एक सब्सक्राइब यहाँ से बन कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो की लाइक भी कर देना प्लीज़ गाइस। और मिलते हैं किसी ऐसे ही एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।